देखा आपने ये नज़ारे हैं उत्तराखंड के जी हाँ जहा पर पहाड़ जो है वो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। नमस्कार स्वागत है आपका एस पी न्यूज में मैं हूँ आपके संस्कृति और बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के जी उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है यहाँ पर अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में यहाँ पर फोटोज़ दिखा रहे हैं जिस तरह से पहाड़ों ने बर्फ़ की चादरें ओढ़ रखी है कई लोग यहाँ पर ठंड के मारे दुबक कर सो रहे होंगे तो वहीं अगर यहाँ के नज़ारे देखने को अगर पर्यटकों की बात की जाए तो ये जो नज़ारे हैं पहाड़ों की जिस जिन्होंने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है इन नज़ारों की अगर बात करें तो पर्यटक इन नज़ारों से दीवाने हो जाते हैं और यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं और जो मौसम है वो ठंडी का मौसम जब आता है तो पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है बर्फ की चादरें देखने को मिलती है वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं वही बता दें आपको कि उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और यहाँ पर ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है। वही बता दें आपको बद्रीनाथ में फिर से बर्फ गिरी है और की विश्व प्रसिद्ध औली में भी जमकर हिमपात हुआ है अगर उत्तराखंड में यहाँ यहां पर देखें तो पहाड़ जो है वो सफेद बर्फ की सफेद चादर उड़े हुए बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं। और इसी के साथ ही पर्यटक जो हैं वो दीवाने हैं और ये जो नज़ारा है उनको देखने के लिए पर्यटक यहाँ दौड़े चले आते हैं और जिस तरह से अगर औली की बात की जाए तो औली में भी जमकर हिमपात हुआ है और इसी के साथ ही चमोली में जो पर्यटक चमोली में ठहरे हुए थे वो ओली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं इसी के साथ ही बता दें आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ इन सब जगहों पर पहाड़ों ने जिस तरह से चादर ओढ़ रखी है वो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं ठंडी के मौसम में आते हैं और यहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है और उन्हें वो जो नज़ारा होता है वो पर्यटकों को लुभाती है और लोग यहाँ पर ये यह नज़ारा देखने के देखने के के लिए आते हैं, जबकि इस ठंड मौसम में जहां पर लोग दुबक कर सोना ज्यादा पसंद करते हैं कई पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं बता दें आपको कि उत्तराखंड में हिमपात जोरों से हुआ है और इसी के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होने से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है तथा तो ठिठुरन ठिठुरन बढ़ गई है यानी कि कड़ाके के ठंड के साथ साथ यहाँ पर ठिठुरन भी बढ़ गई है तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक दो दिन तक यहाँ पर ये नज़ारा और यहाँ पर ये ठंड बनी रहेगी इससे बता दें आपको कि एक दो दिन ये जारी रह सकता है फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है यानी कि अब ठंड बढ़ चुकी है ठंड का मौसम जिस तरह से आता है और इसके बाद लोग घरों में दुबक कर सोना ज्यादा पसंद करते हैं वहीं अब ये जो ठंडी है अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के नज़ारे लुभावने होते हैं जिस तरह से पहाड़ जो है बर्फ की चादर ओढ़ती हैं इसके बाद जो प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है वो बेहद ही खूबसूरत होता है जी हाँ अगर आपने उत्तराखंड देखा है उत्तराखंड में अगर आप जाकर देखे हैं इन नज़ारों को तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ पर देखें अगर ओली की बात की जाए तो ओली बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ पर लोग पर्यटक जब जाते हैं तो स्कीइंग जैसी बहुत सी एक, एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जो बर्फ़ की चादरों बर्फ़ की चादर जो पहाड़े ओढ़ती हैं उनका नज़ारा देख कर और यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं उनका यहाँ पर पूरी तरह से लुफ्त उठाते हैं पर्यटक और अगर बात करें राज्य राज्यभर में भारी हिमपात और बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राज्य के कई जिलों में कल सरकारी और निजी स्कूल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं जी हाँ राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह कल रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रही जिसके चलते शहर में चहल पहल भी अन्य दिनों की अपेक्षा कम दिखाई दी यानी कि अगर चहल पहल की बात कर रहे हैं और कम दिखाई दी इसका मतलब ये है कि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पर दुबक कर सोना यानी कि घरों में रजाई के अंदर दुबक कर सोना ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं बात करते हैं अगर खूबसूरती की तो खूबसूरती के मामले में उत्तराखंड उत्तराखंड जिस तरह से वहाँ के नज़ारे हैं वो बेहद ही खूबसूरत है खैर अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं देखा है तो इस ठंड के मौसम में और जो बर्फबारी होती है उन नज़ारों को देखने के लिए आप उत्तराखंड जा सकते हैं इसी के साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और आगे तमाम जानकारी के लिए और नई खबरों के साथ साथ कुछ अलग खबरें भी हम आपके सामने लाएंगे और इसके लिए बढ़ावा देने के लिए इसके बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार